स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। ओके, देन हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, राइट सर्कुलर सिलेंडर, एंड हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यदि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से जुड़ा एक पंप सेट प्रति मिनट 2500 मीटर गति वेग से जल की सिंचाई करता है, तो वह पंप सेट एक घंटे में कितने किलोमीटर तक जल की सिंचाई कर पाएगा, ये हमें बताना है, जहां एक लीटर बराबर एक घन डेसीमीटर। मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देयर इज अ पंप सेट विद द पाइप 14 सेंटीमीटर डायमीटर। एक इस तरीके का पंप सेट है जो जिसका डायमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का ये है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं इस पाइप का। और क्या दिया हुआ, 25 मीटर, इट कैन ड्रेन 2500 मीटर वाटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये कितना ड्रेन कर सकता है, 2500, मतलब एक मिनट में जो ये 2500 मीटर का जो वाटर दिया हुआ है, मतलब ये जो पूरे पाइप को फिल कर ले रहा है, इसका मतलब ये जो पानी है वो पूरे पाइप को फिल कर रहा है। इसका मतलब जो ये इस पंप का हाइट प्रोवाइडेड है, अगर किसी तरीके का भी पाइप हो, मान लो इस तरीके से ऐसे हो पाइप, तो यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो उसका जो पूरा डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, ये पूरे पाइप का ही तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब जो डिस्टेंस है वही उस पाइप का हाइट हो जाएगा। और कितना मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है पाइप, 2500 मीटर वाटर ला रहा है, मतलब कि जो वाटर का लेंथ है वो दे दिया है। दिस मीन्स द हाइट विल बी 2500 मीटर। ठीक है, तो एक्चुअली ये हाइट ही है जो कि यहाँ पे दिया है, क्योंकि जो जो पानी इसके अंदर से जा रहा है उस इसके हाइट को कवर कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हाइट को, पानी का जो टोटल लेंथ है उसको हम हाइट के साथ कंपेयर, या फिर हाइट इज इक्वल टू 2500 मीटर हम लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमें आर मिल गया और एच भी मिल गया। साथ में क्या कह रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच किलोमीटर वाटर दैट पंप विल ड्रेन पर आवर। पंप एक घंटे में कितना पानी को निकाल सकता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो इसे हम बनाते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन हियर, गिवन हियर रेडियस ऑफ द पाइप, देन रेडियस ऑफ द पाइप, पाइप का रेडियस हम निकाल सकते हैं, हमारे पास 14 सेंटीमीटर डायमीटर था डिवाइडेड टू दैट इज 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए फिर से हर 10 से डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे 0.7 डेसीमीटर आ गया ये। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द पाइप विल बी 0.7 डेसीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एक्चुअली। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाउ मच किलोमीटर ऑफ वाटर दैट पाइप पंप विल ड्रेन आउट। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर हम निकाल लेंगे उस पाइप का तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना पानी वो निकाल रहा है। ठीक है, और हमें क्या बोल रहा है, एक घंटे में कितना पानी निकाल रहा है ये हमें निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आर है और हमारे पास एच भी है। ठीक है, तो ओके, हम यहाँ लिखेंगे कि लेंथ ऑफ वाटर पर मिनट इन पाइप। पाइप में पानी का लेंथ कितना था, ये दिया हुआ 2500 मीटर। ठीक है, अब इस मीटर को, क्योंकि ये डेसीमीटर में हमें दिया हुआ है, लीटर जब भी पूछेगा कितना लीटर निकालना है या किलो लीटर पूछे, तो हमें उसको डेसीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि डेसीमीटर से लीटर में जाना बहुत आसान होता है। यहाँ पे दिया भी है कि एक लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है, तो हम क्या करेंगे कि इसे हम डेसीमीटर में चेंज कर देंगे। 2500 को डेसीमीटर में चेंज करेंगे, मीटर से डेसीमीटर में जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2500,000 डेसीमीटर। अब ये डेसीमीटर में चेंज हो गया, तो हमें क्या क्या मिल गया, आर मिल गया, एच मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, आयतन हमें निकालना है। तो इन 1 मिनट, इन 1 मिनट और इन 1 मिनट द फ्लो ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पे द वॉल्यूम में ऐड करना होगा, सॉरी, द वॉल्यूम ऑफ
और फ्लो ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर लेना आप, ठीक है। 1 मिनट में पानी का जो आयतन है वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन का। वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई का वैल्यू 22/7, आर है यहाँ पे 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 एंड एच है 25000, ठीक है। अब यहाँ से काट छाट करेंगे, यहाँ से ये 10 हटा कर दो तो ये से 7 7 से कट गया और ये 0 से ये 0 गया, यहाँ से भी पॉइंट हटा देंगे तो ये 0 से ये 0 और ऊपर ऊपर सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब आ जाएगा 3850। और वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक, क्यूबिक डेसीमीटर, तो ये क्यूबिक डेसीमीटर आ गया। और क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ये हमें पता है। तो इसके जगह पे हम लीटर पुट कर देंगे, 3850 लीटर, ठीक है। अब इतने लीटर्स आ गए हमारे पास, अब लीटर को, अच्छा इतना लीटर आ गया, उसके बाद क्या कह रहा है, ये 1 मिनट में हमें निकाला है कि 1 मिनट में वो वाटर का वॉल्यूम कितना होगा। हमें क्या फाइंड करना है कि 1 घंटे में, इन 1 आवर द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इन 1 आवर, 1 आवर द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके इज इक्वल टू, इसे अगर हम लीटर में आ गया हमारा और इसे हम 1 घंटे में कर रहे हैं तो इसे हमें क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में ये जा रहा है, 1 आवर में हम 60 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ओके। या मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 60 मिनट्स, दैट मीन्स हमें इसे 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 मल्टीप्लाई 3850, ठीक है। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा आपका 231000, 000 नहीं, एक और 0 आएगा, ठीक है, इतना, तो इतना आ गया आपका लीटर। बट हमें पूछ रहा है कि हाउ मच किलो लीटर, किलो लीटर पूछ रहा है, तो बस किलो लीटर, लीटर से किलो लीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 231, 30 गायब हो जाएगा, 0 किलो लीटर, किलो लीटर दिस इज द आंसर, ठीक है। तो 1 घंटे में इतना किलो लीटर वाटर ड्रेन होगा उस पाइप से, ओके। तो चलो एंड अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ओके। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 8 हियर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबे गैस जार में कुछ जल है, उस जल में अगर 5.6 सेंटीमीटर व्यास वाले 5 सेंटीमीटर लंबे एक ठोस लोहे के लंब को वृत्ताकार बेलन को डुबाया जाए तो जल का तल कितना ऊपर उठेगा, ये हमें बताना है, ओके। सपोज कि यहाँ पे एक वाटर बीकर मैंने बना दिया, देयर आर द सम वाटर इन द लॉन्ग जार ऑफ द 7 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका जो एक लॉन्ग जार है और इसका जो डायमीटर है वो है कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये गिवेन है। इफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर पाइप ऑफ आयरन हैविंग 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5.6 सेंटीमीटर डायमीटर वी इमर्ज कम्प्लीटली इन द वॉटर। यहाँ पे कुछ हमने डाल दिया इस तरीके से, एक और राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने डाल दिया, ओके, और उसका डायमीटर दिया हुआ है एंड लेंथ इज ऑल्सो गिवेन 5 सेंटीमीटर। देन राइट एंड कैलकुलेट हाउ मच द लेवल ऑफ वाटर विल बी राइजेस, कितना राइज करेगा लेवल ऑफ वाटर, मतलब जैसे ही हम कुछ यहाँ पे डालते हैं यहाँ से पानी ऊपर उठ जाता है, मान लो ये यहाँ तक आ गया, तो इसका हाइट कितना हाइट हो रहा है वो हमें निकालना है, मतलब कि एक्चुअली ये जो वाटर है इसका हाइट कितना आगे को जाएगा, इसका हाइट कितना आगे की ओर बढ़ेगा, ये हमें यहाँ से फाइंड करना है। अब आप सोचो कि जितना जितना ये वॉल्यूम का इसमें डाला गया, इसके अंदर डाला गया जितना वॉल्यूम का ये जो सिलेंडर है इसमें डाला गया उतना ही वॉल्यूम पानी ऊपर जाएगा, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर वाटर, जितना कि राइज किया हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो वहाँ से हम एच इजली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जितना वॉल्यूम हमने अंदर डाला उतना ही पानी ऊपर की तरफ आया, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे तो वहाँ से हम इजली एच फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं कि कितना हाइट बढ़ा था। तो चलो अब इसे हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, लेट द वॉटर लेवल विल बी राइजेस एच सेंटीमीटर, ठीक है, हमने यहाँ एच मान लिया, लेट द वॉटर लेवल विल बी राइजेस एच सेंटीमीटर, एच सेंटीमीटर वॉटर लेवल राइज करेगा। ना बहुत सारी चीजें दी हुई हैं बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम से भी हम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम
यहाँ पे देखो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। मैंने बोला कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है हमने मान लिया। और यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट मैं नहीं बनाती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके तो इसके बाद हम लिखते हैं कि जो छोटा सा इसमें ये डाला गया है, सिलेंडर डाला गया है, देन स्मॉल सिलेंडर सॉरी, लेंथ ऑफ स्मॉल सिलेंडर, लेंथ इज गिवन, लेंथ ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर गिवन, एंड ऑल्सो रेडियस विल बी, एंड रेडियस इज 5.6 डिवाइडेड टू, दैट मीन्स 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है 2.8 सेंटीमीटर रेडियस भी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। नाउ द वॉल्यूम ही निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल सिलेंडर, जो स्मॉल सिलेंडर विच इज इमर्स किया गया है इसमें, उसका वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 आर 2.8 × 2.8 एंड हाइट विल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। अब लेट हाइट ऑफ वाटर विल बी राइजेज टू एच सेंटीमीटर इफ वी इमर्ज स्मॉल सिलेंडर। जैसे हमने स्मॉल सिलेंडर डाला, वाटर विल बी राइजेस टू एच सेंटीमीटर। नाउ देन जो बढ़ गया है, इस बढ़े हुए भाग जो बढ़ गया है, ठीक है, देन जो राइज कर गया है उसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकाल लेना है। देन द राइजेस, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है सिर्फ उसका हमें, सिर्फ इतने पार्ट का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। देन इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द जार इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, बट यहाँ पे पाई 22/7 आर हमें पता है कितना है, 7 था, तो 7/2 × 7/2 हो जाएगा, एंड हाइट हमें नहीं पता था, एच मान लेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स पाई को पाई ही रहने देते हैं, क्योंकि 22/7 तो कट ही जाएगा, पाई 7/2 × 7/2 × h इक्वल्स पाई 0.8 × 0.8 × 5। ना पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे h है और आपका h निकालना है हमें, h इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8 × 2.8 × 5, यहाँ पहले से था, मल्टीप्लाई टू नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, 7 × 7, ठीक है, h इज इक्वल टू। अब हमें यहाँ से काट तो बहुत इजीली कट जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही हमें फाइंड करना था, हाइट ऑफ द राइजेस हाइट, ठीक है, वाटर लेवल जो राइज किया है उसकी हाइट, विच इज 3.2 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ओके नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, एक लंब वृत्ताकार बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर, आंतरिक वक्र तल का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है और आयतन 925 घन मीटर हो, तो उसकी आंतरिक व्यास और ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। इफ दिस सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द पिलर इज 264 स्क्वायर मीटर एंड द वॉल्यूम इज 924 क्यूबिक मीटर, देन राइट कैलकुलेट द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द पिलर, ठीक है। एक पिलर है राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह है और उसमें हमें क्या है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ का एरिया प्लस इधर और उधर का पूरा सिलेंडर का एरिया यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और साथ में ही वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट द हाइट एंड लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस पिलर। हमें क्या डायमीटर निकालना है इसका, और लेंथ एंड हाइट भी फाइंड करना है, ठीक है।
यहाँ से, यहाँ पे जो वक्र तल दिया हुआ है इसका मतलब कि जो सरफेस एरिया है उससे है, ठीक है। ओके, देन हेयर इट इज गिवेन दैट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दी, सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर इक्वल्स, सरफेस एरिया इज 264 स्क्वायर मीटर, 264 स्क्वायर मीटर। ओके, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवेन, एंड वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर इक्वल्स 924 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। ओके, नाउ हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें क्या करना है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला के साथ इसको इक्वल कर देना है। बस सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देन द अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 264, दिस इज नंबर वन। एंड ऑल्सो वॉल्यूम इज गिवन 924, दैट मीन्स वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, सॉरी सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, जस्ट 2 पाई आर एच, एंड पाई आर स्क्वायर इज द वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 924, दैट इज नंबर टू। नाउ वी हैव टू डिवाइड ऑल दिस, ठीक है, डिवाइड कर देने से हमें एच फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें हाइट और डायमीटर निकालना है, तो हम इसे डिवाइड करें, किसी भी तरीके से आप इसे बना सकते हैं, या तो यहाँ से एच का वैल्यू निकालो इसमें पुट करो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ, पाई आर स्क्वायर 2 डिवाइडेड 1 मैं करती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ 2 डिवाइडेड 1, देन वी गेट पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड 2 पाई आर एच इक्वल्स 924, क्योंकि ये बड़ा था इसलिए इसको ऊपर रखा है 264, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, तो एक आर बचेगा, एच से एच कट कर गया, आर बाय टू इक्वल्स, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, को डिवाइड कर देते हैं, इसे और छोटा करते हैं पहले, 924 डिवाइडेड 264, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे नीचे नीचे, तो 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स आर इक्वल्स 924 डिवाइडेड 132। अब 132 से ये कितने बार में जाएगा, 7 टाइम्स आई थिंक 7 2 ज़ा 14, ओके 7 टाइम्स में ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आर इक्वल्स 7, आर का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। और अब हम फाइंड क्या करना है, डायमीटर ऑफ द पिलर, ठीक है। देन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि डायमीटर, डायमीटर दैट इज व्यास ऑफ द पिलर, पिलर और सिलेंडर आप जो भी लिख सकते हैं, पिलर इज इक्वल टू डायमीटर, आर 7 है तो डायमीटर 2 मल्टीप्लाई आर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 7, दैट इज 14 मीटर, 14 मीटर क्या आ गया, डायमीटर आ गया। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द पिलर, हाइट ऑफ द पिलर, हाइट हम कैसे निकालेंगे, किसी भी एक उसमें पुट कर दें, हाइट आ जाएगा। चलो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन 1, 2 पाई आर एच है ना, तो पाई का भी वैल्यू है हमारे पास, ओके 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 मल्टीप्लाई, द वैल्यू ऑफ आर इज 7 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 264। अब यहाँ से हमें एच फाइंड करना है, 7 से 7 कट गया, और इसको डिवाइड कर देंगे, एच इज इक्वल टू 264 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 22, और यहाँ से एच हमें, सॉरी यहाँ से हमें एच मिल जाएगा, हाइट ऑफ द पिलर काट के आएगा, 6 टाइम्स में पूरा कट जाएगा 6 मीटर, दैट मीन्स हाइट विल बी, हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। ये और ये दो आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमें डायमीटर फाइंड करना था और हाइट फाइंड करना था, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, 11, 12, 13 और 2 और 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।